हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से एक ट्रिक का यूज़ करके इस तरह के ग्रिड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक ट्रिक का यूज़ करके किस तरह से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पता करेंगे इस तरह के ग्रिड में। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज़ करके इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में और वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से काउंट करें रेक्टेंगल्स को, 1, 2, 3, इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस ऐसे रेक्टेंगल को काउंट करेंगे, 17, 18, 19। ठीक है, उसके बाद इस तरह काउंट करेंगे, 20, 21। इस तरह से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग एक ट्रिक का यूज़ करेंगे जिसका यूज़ करने के बाद हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोगों को नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करना था इस ऐसे फिगर्स में, तो हम लोग ये ट्रिक यूज़ करते थे, 1² + 2² + 3² + 4² क्योंकि टोटल 4 कॉलम्स और 4 रोज हैं और इन सभी का सम हो जाएगा 1 + 4 + 9 + 16 = 30। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल्स, रेक्टेंगल्स अगर निकालना है इस तरह के फिगर में तो सबसे पहले आप देखिए कि रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो रोज और कॉलम्स दोनों सेम हैं, 4, 4 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव 4 नंबर्स यानी 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करेंगे और स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो इन सभी का सम हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10। 10 का स्क्वायर होता है 100। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में 100 है। आप इसको काउंट करके पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इस ग्रिड में रोज और कॉलम्स 3-3 ही होते तो हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे फाइंड करते? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते 1 + 2 + 3 स्क्वायर। 1 + 2 + 3 = 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 36 हो जाता। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पता कर सकते हैं इस तरह के ग्रिड में। और नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस तरह के ग्रिड में कैसे पता लगाएंगे। और ऐसे ग्रिड में जिसमें रोज और कॉलम्स डिफर करते हैं, अलग अलग हैं, उसमें भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे पता लगाएंगे इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया है। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।